ओम शांति। तो आज आप लोग समझ गए होंगे हम लोग कहाँ पर आए हैं और आज क्या प्रोग्राम है। हम पूछते हैं लेखराज भाई से कि आज के प्रोग्राम के बारे में कुछ बताइए सर। ओम शांति जी। प्रोग्राम तो राखी के संबंध में रखा गया है। एक्चुअल में राखी तो वीकडे पे थी लास्ट वीक, तो यहाँ पे जो भी प्रोग्राम होते हैं वीकेंड पे रखे जाते हैं, सारे ऑर्गेनाइज सैटरडे संडे को ही होते हैं। तो आज हम यहाँ पे दीदी से राखी बंधवाएंगे, आशीर्वाद लेंगे और यहाँ बच्चों के भी प्रोग्राम हैं, तो आप बने रहिए, देखें बच्चों का प्रोग्राम और मॉस्को में कैसे राखी मनाई जाती है वो भी देखें, तो आपको बहुत आनंद आएगा। तो प्रकाश जी के साथ पूरे प्रोग्राम का आनंद लीजिए। ओम शांति। आज की सफा बहुत सुंदर है। मैं देख रही हूँ कि कोई टेफरी बार रही है। प्लीज़ हाथ उठो, कौन टेफरी बार आया? फर्स्ट टाइम। वाह, आपके लिए विशेष स्वागत है। स्वागत है, तिली बजाए। मैं बहुत खुशी हूँ कि आप हम आज सबके साथ रक्षाबंधन मना रहे हैं, क्योंकि रक्षाबंधन बहुत बहुत विशेष त्यौहार है। हम ये राखी हमें याद दिलाते हैं कि रक्षा स्वयं भगवान हमेशा हमारे साथ है। या ठीक है? ठीक है, ठीक है। अच्छा, आज अभी बच्चे सच्चे बच्चे हमें अपने दिन से प्रसन्न करेंगे। आप कोई कोई समय में रूसी भाषा में बोलते हो, ओके? रूसी भाषा समझते हैं? बिल्कुल। अच्छा, давайте встречаем три обожаю зорсе बच्चे डांस करेंगे। I'm not afraid to die.
ये देश है वीर जवानों का, बहनों का, मस्तानों का, इस देश को यारो, इस देश को यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का कहना। हमारे नरेंद्र भाई मोदी कहते हैं हम इक्विपमेंट
परिवार है. द होल वर्ल्ड इज वन बिग फैमिली. एंड टुडे दीदी दिस शुड बी द रियल स्टोरी ऑफ रक्षाबंधन. आपने नहीं सिर्फ रशियंस को ही नहीं, हमारे एम्बेसडर्स को नहीं, प्लस आज हम सबको राखी बांधने वाली है. तो इससे बड़ा प्रूफ क्या हो सकता है कि हम मॉस्को में एक बड़ी फैमिली है. थैंक यू दीदी, थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट. थैंक यू. आज हम सभी यहाँ रक्षाबंधन के लिए इकट्ठे हुए हैं. बात बिल्कुल ठीक है और हम दिल से ये सोचते हैं कि भाई आज के दिन नहीं, परंतु दिल से महसूस करते हैं कि हम सब एक परिवार हैं. तो इससे वो कनेक्शन बना रहे तो नेचुरली, बहुत नेचुरली, एकदम से नहीं, लेकिन आप देखेंगे कि ग्रेजुअली हमारी लाइफ में परिवर्तन आता चला जाता है. इसीलिए ट्रेडिशन तो क्या है कि बहनें भाई को राखी बांधती हैं, भाई की रक्षा की दुआएं करती हैं और भाई बहनों को प्रॉमिस करते हैं कि हम आपकी रक्षा ज़रूर करेंगे, जब भी ज़रूरत पड़ेगी हम आपके पास होंगे. बहुत अच्छा एक हमारा ट्रेडिशन है, बहुत अच्छा है. लेकिन कई दफ़ा भाई इतना सा होता है, बहन तो इतनी बड़ी होती है, तो कौन किसकी रक्षा करेगा. भाई इतना है, बहन बड़ी है, तो कौन किसकी रक्षा करेगा, बहन भाई की या भाई बहन की. बहन. सोचने की बात है ना, कौन किसकी करेगा. बहन इंडिया में है और भाई रशिया में है, ज़रूरत उसको आज है, तो भाई उसकी रक्षा कैसे करने पहुँचेगा वहाँ. सोचने की बात है ना. लेकिन जो सब जगह पहुँच सकता है भाई बनकर, वो परमात्मा है. उससे अगर हमारा वो कनेक्शन बना रहता है तो एक सेकंड में बस सोचिए और वो पहुँच जाता है.